के पास चलूं और यहाँ पर आने के बाद में जो मैंने देखा उससे बेहतर ही पाया है यहाँ पर। भैया की आदत बहुत अच्छी है, वेरी सपोर्टिव और काफ़ी अच्छे से ये पर्सनली खुद देखते हैं गाड़ी में क्या हो रही है। आई एम रियली सेटिस्फाइड और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि जो भी है कोई इस तरह की बाइक की मॉडिफिकेशन कराना चाहते हैं वो ज़रूर आए यहाँ पर। क्वालिटी वगैरह कैसी? क्वालिटी वगैरह बहुत बढ़िया है और प्राइजिंग भी बहुत जायज़ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है प्राइजिंग को लेकर। मैं बिलीव मी, मैं इस दुकान के अलावा कहीं गया भी नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका अपना राजू और आपके सामने है सुपरनोवा मैच्योर और जो कि रेड कलर की है, रेड एंड ब्लैक मैचिंग के अंदर और मॉडिफिकेशन कुछ इस तरीके से। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिखाएंगे फॉक्स लैडर। फॉक्स लैडर का बेसिक यूज जो होता है शॉकर को करता है प्रोडक्ट और साथ में डिस्प्ले डबल यूज सेफ, क्योंकि गाड़ी जब लगती है तो आपका डैमेज वगैरह नहीं होता है। इस तरफ भी आपको देखने मिलेगा और साथ में आपको इस तरफ भी देखने मिलेगा और उसके बाद साथ में आपको दिखाएंगे ऊपर की तरफ इसका फॉग लैम्प जो कि मिनी ड्राइव है ट्रिपल कलर वाली। ट्रिपल नहीं, फोर, इससे फोर फीचर्स मिलेंगे आपको। अभी जला के चेक करा था क्या क्या फीचर्स है इसका लेटेस्ट वाले। ये चाबी ऑन करती ये आपको दिखाते हैं। रेड, ये आपका होगा डेविल कलर जो कि रेड आप देख सकते हैं, ये डेविल हो गया। इसके बाद आपका ऑफ कर, ये आपका वाइट हो गया, फिर ये आपका येलो, फिर ये ब्लिंक और ये नया फीचर है, बिल्कुल लेटेस्ट है पूरा। आप रोशनी देख सकते हैं सामने कितनी बेहतरीन रोशनी है इसकी और जब रोड पे निकलने वाली है ना ये, तो समझ जाओ कि सामने वाले को तो कुछ दिखाई देने वाले, आपको जरूर दिखाई देगा। चलान नहीं है इस पर, ये वैसे चलान है क्योंकि हेडलाइट से नीचे है। चलान जब भी होता है तो हेडलाइट्स के ऊपर से होता है तो वो चलान होता है, तो कोई चलान का इशू नहीं होता है। और उसके बाद एक चीज़ और दिखाऊंगा, हॉर्न, नहीं तो भूल जाऊंगा बाद में। ये हॉर्न इसके अंदर लगाए गए हैं ड्यूल, क्योंकि सिंगल इसके अंदर लगे हुए आते हैं पहले से। ये D95 हेल्ला के ओरिजिनल हॉर्न है जो कि कंपनी लगा गया सेम उसी तरीके के हैं। और साथ में उसमें दिखाएंगे आपको समगार्ड, ये समगार्ड आप देख सकते हैं, ये इसी का है मीटियोर का। बाकी और कोई भी गाड़ी हो मीटियोर या आपके क्या नाम है हंटर या रिबॉन, सबकी आपको यहाँ पर मिलने वाला है समगार्ड भी। और उसके बाद ऊपर दिखाएंगे आपको क्रैश गार्ड, ये क्रैश गार्ड प्लस लेग गार्ड होता है। लेग गार्ड इसलिए क्योंकि जो इसका जो लुक है आगे की फ्रंट्स की लुकिंग, ये आपकी लेग गार्ड की तरह दी गई है। और साइड में इसमें लगाया क्रैश गार्ड जो कि पूरा आपका इंजन वगैरह सारा हो जाता है प्रोटेक्ट। और साथ में स्लाइडर लगे हुए हैं इसके अंदर, जो अगर आपको राइड करते हुए थकावट सी महसूस हो कुछ भी हो तो आप इस पर आराम से बैठ कर, मैं बैठ के दिखाता हूँ किस तरीके से। ये देखिए, ये बैठे हुए अगर लग रहा पैर थक गए कुछ हो तो कुछ नहीं करना, सिंपली आपको कंफर्टेबल राइड कर सकते हो इसी। तो ये हो गया क्रैश गार्ड, इस तरफ भी आप देख सकते हैं और इसी तरीके से आपको इस तरफ भी देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं आप फिनिशिंग क्वालिटी, मतलब देखने के बाद ऐसा लुक लगेगा कि वाकई में आपने अब गाड़ी को पूरा सेव कर दिया है। उसके बाद ऊपर आपको दिखाएंगे मोबाइल होल्डर, ये नॉन चार्जिंग का है मोबाइल होल्डर, काफ़ी हैवी क्वालिटी का है, इसमें कभी भी कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। एक बार आपने फ़ोन लगा दिया तो फ़ोन भी आपका पूरा हो जाएगा इसके अंदर सेफ। उसके बाद आपको दिखाएंगे मास्टर सिलेंडर कैप जो कि आपका सुपर मीटियोर की ब्रांडिंग के साथ है, मीटियोर 350 आपका इधर भी मिलेगी इसके अंदर और साथ में रियर वाले भी मिलेगी आपको। ये दोनों ही आपका सेफ हो जाता है, इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी है, स्टेनलेस स्टील है आपकी ये। और उसके बाद आपको दिखाते हैं इसके अंदर लेमिनेशन, ये लेमिनेशन आपको जो की गई है आप देख सकते हैं। वैसे तो गाड़ी ये सिर्फ और सिर्फ 2 दिन पुरानी है, 2 दिन में गाड़ी का कुछ होता नहीं है और भैया ने चलाई भी नहीं है गाड़ी ज़्यादा। गाड़ी की राइडिंग दिखाता हूँ कितनी की हुई है भैया ने, ये देखिए, ये भैया ने चलाई है सिर्फ ओनली 68 किलोमीटर, मतलब शोरूम से लेके घर पे खड़ी कर दी और उसके बाद सीधा हमारे पास ले आए मॉडिफिकेशन कराने के लिए। लेमिनेशन का मैं दिखा रहा था, इधर आपने देखा पता बिल्कुल नहीं लगती है, उसी तरीके से आप इधर देख सकते हैं। ये मैं उतार रहा हूँ इसलिए पता लगा, वैसे पता लगने वाली है नहीं। देखिए क्या अल्टीमेट फिनिशिंग के साथ है, ये आपकी लेमिनेशन होगी, टैंक हो गया, साइड पैनल्स हो गया और आपका बैक साइड में भी आपकी लेमिनेशन की गई है। इसे बहुत लोग पीपीएफ वगैरह भी कहते हैं, पीपीएफ में, बट ये पीपीएफ ओरिजिनल पीपीएफ नहीं होती, इसे बेस्ट क्वालिटी की लेमिनेशन कहते हैं इसको। तो ये तो थी कुछ गाड़ी की मॉडिफिकेशन। अब बुलाते हैं भैया को, जिन भैया की गाड़ी है तो उनको काम कैसा लगा कैसे पूछते हैं भैया से। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए आप? शायद मैं यहीं दिल्ली से, ओखला से आया हूँ। तो ऑल अबाउट आपको काम वगैरह और जो भी है आपने जो आप सोच कर आए थे जैसा देख कर आए थे वीडियो में हमारे SKD बाइक वर्ल्ड चैनल पे, तो वैसा काम मिला कुछ अलग मिला वो बताएंगे और गाड़ी कब ली कैसे बताएंगे आप? एक्चुअली ये गाड़ी थोड़ा मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ इस गाड़ी से और मैंने अभी 3 दिन पहले ली थी और काफ़ी सर्च किया, उसके बाद में आपका चैनल मुझे मिला, BKD SKD SKD सॉरी SKD बाइक्स बाइक्स
एंड मैंने काफ़ी वीडियोस देखे थे आपके बाइक के, और उसके बाद में मैंने सोचा कि एक बार मैं आपके पास चलूं, और यहाँ पर आने के बाद में जो मैंने देखा उससे बेहतर ही पाया है यहाँ पर। भैया की आदत बहुत अच्छी है, वेरी सपोर्टिव, और काफ़ी अच्छे से ये पर्सनली खुद देखते हैं गाड़ी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये पहली बार है जो भैया ने खुद ही मेरी आदत के बारे में बताया है या हमारी वो करे, वरना तो ज़्यादातर हमें पूछना पड़ता सर आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा। नहीं नहीं नहीं, आई एम रियली सेटिस्फाइड, और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि जो भी है कोई इस तरह की बाइक की मॉडिफिकेशन कराना चाहते हैं वो ज़रूर आए यहाँ पर। क्वालिटी वगैरह कैसी? क्वालिटी वगैरह बहुत बढ़िया है और प्राइजिंग भी बहुत जायज़ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है प्राइजिंग को लेकर। मैं बिलीव मी, मैं इस दुकान के अलावा कहीं गया भी नहीं, इज माय फर्स्ट शॉप। इसे ट्रस्ट कहते हैं, ट्रस्ट करोगे तो आपका ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि देखो हम तो काम करने के लिए बैठे हैं, आप आओगे जब आप काम करवाओगे तभी आपको सब पता लगेगा हमारे बारे में और काम के बारे में। तो आई होप आप वीडियो आपको अच्छी लगेगी, आप करना क्या आपको सीधा चैनल करना सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, गुड नाइट।